डिलीशियस आलू का हलवा बना रहे हैं हम, इसके लिए हमने 5 आलू यानी करीब 300 ग्राम आलू मैश कर लिए उबाल के। इसके अलावा चीनी आधा कटोरी, दूध हमारे पास आधा कटोरी, ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ यहाँ पे थोड़े से, इसके अलावा इलायची पाउडर है और देसी घी है। कढ़ाई हमने ले ली है और कढ़ाई को हमें गैस पे चढ़ाना है। कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया, इसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी यूज करना है, वो डालना है। आप देख सकते हैं करीब एक चम्मच हमने देसी घी यहाँ पे डाल दिया है, बड़ा वाला चम्मच है ये घी। घी को आपको गर्म होने देना है मीडियम आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों घी गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं करीब एक चुटकी। इससे जो आपके हलवे का टेस्ट है वो थोड़ा चटपटा भी आएगा मीठे के साथ साथ। तो हमने काली मिर्च घी के अंदर डाल दी है और थोड़ी देर इनको फ्राई होने देते हैं कुछ 15-20 सेकंड के लिए। काली मिर्च डालने के बाद 15-20 सेकंड के बाद आपको जो है हलवा यहाँ पे जो आलू का पेस्ट है वो आपको इसके अंदर डालना है। तो हम डाल देते हैं ये 300 ग्राम आलू का पेस्ट है उबाल के, हमने इसका पेस्ट बनाया वो हमने डाल दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं घी में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से घी के अंदर मिक्स कर लें और आपको इसको जो है 20 से 25 मिनट तक घी के अंदर इसको सेकना है आपको अच्छी तरीके से। और आपको इसको लगातार चलाते रहना है, बीच में कहीं भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये आपके बर्तन के चिपक जाएगा और इसके अंदर आपकी आंच मीडियम रहेगी। तो हम 20 से 25 मिनट तक इसको लगातार सेक लेते हैं इस गैस के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये आलू का मिक्सचर है वो घी में करीब 15-20 मिनट सिक चुका है और इसने किनारों पे घी छोड़ दिया और इसका कलर जो है इस प्रकार का हो चुका है। तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास फुल क्रीम दूध है, करीब एक कटोरी के करीब ये दूध है। तो हमें जो है इसके अंदर मिला देना है जब 15-20 मिनट के बाद आलू का हमारा मिक्सचर सिक जाए। और अब आपको जो है इस पूरे मिल्क को सुखा देना है, यानी पूरा का पूरा मिल्क अगर आपके इस मिक्सचर में से गायब हो जाए तब तक आपको इसको फिर से सेकना है मीडियम आंच के ऊपर। इसमें करीब 10 मिनट का वक्त लग सकता है, तो हम और वेट कर लेते हैं और इसको लगातार आपको चलाते रहना, इस बात का ध्यान रखना है। करीब 10 मिनट लगेंगे जो आपका पूरा मिल्क है वो यहाँ पे इसके अंदर से गायब हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मिल्क है वो पूरी तरीके से सोख चुका है यानी गायब हो चुका है। और अब वक्त आता है चीनी मिलाने का इसके अंदर, इसकी मिठास को बढ़ाने का। तो हमारे पास चीनी है आधा कटोरी, आप स्वाद के अनुसार जितना मीठा करना चाहे उतना आप चीनी ले सकते हैं। और चीनी हमने डाल दी है, इस चीनी को आपको अच्छी तरीके से पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको इसको करीब 4-5 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाना है और पकाते रहना है मीडियम आंच के ऊपर ही आपको ये सारी चीजें करनी है। तो हम इस चीनी को जो है डालने के बाद करीब 5 मिनट तक और जो है पका देते हैं। तो दोस्तों चीनी मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा लगभग तैयार हो चुका है। किनारों पे हल्का हल्का घी यहाँ पे आने लग गया है, इसका मतलब हलवा जो है बिल्कुल रेडी है।